बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी जिस दुआ की रनवाद का जिक्र करना है उसका नाम है एंटीमोनियम टार्टिकम। ये दुआ और जो एक एंटीमोनी क्रूडम दुआ है, इनकी आपस में अलमात मैदे के हिसाब से या बाकी काफ़ी मिलती हैं, लेकिन जो इसकी जो इंफरादियत जो इस दुआ की ये है कि ये बेसिकली फेफड़ों के ऊपर ज़्यादा असर अंदाज है। इसमें जब फेफड़ों में एक गड़बड़ाहट हो, तंगी हो और सांस लेने में मसला आ रहा हो, फेफड़े को ऐसे लगते हैं जैसे कोई फालिज सा हो रहा है, फेफड़े इनएक्टिव हों, और ख़ास तौर पर बलगम जो है ना वो बिल्कुल निकालना बहुत मुश्किल हो, तो बलगम निकालने के लिए ये दुआ बहुत ही करामत है। बलगम अगर अंदर से फंस गया हो, ना निकल रहा हो, तो उस टाइम ये एंटीमोनियम टार्टिकम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें कई बार ऑक्सीजन की कमी, वही वो जो सांस के प्रॉब्लम्स आते हैं फेफड़ों की वजह से, चेहरा मरीज़ का नीला पड़ जाता है, जर्द पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है उस सूरत हाल में। फिर उसके अलावा कई बार मतली साथ उसके कै डायरिया हैज़ा टाइप ये अलामत भी इसमें आ जाती हैं। और लेकिन साथ जो सबसे रनवा इसकी अलामत भी जो बेसिकली जो है ना वो ये है कि ज़बान पर सफ़ेद मैल की तय होती है। लेकिन एंटीमनी क्रूडम के मुकाबले में इसका ये फ़र्क टार्टिकम का ये है कि ये इसमें ज़्यादा जो मैदे के बजाय फेफड़े के ऊपर ज़्यादा जो है ना ये फेफड़े के मसाइल ज़्यादा होते हैं और बलगम जमा होता है, फंसा होता है, निकलता नहीं है, तो इसके लिए ये बलगम निकालने की सबसे बेहतरीन दुआ है।